चैनल एएसपी टेक्निकल सर जी में स्वागत है। तो हम बताएं दोस्तों कि आज का मैंने वीडियो बनाया आईआरटी में पढ़ने वाले लड़कियों लड़कियों के लिए, कि जैसा कि मैं देख रहा हूं लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आईआरटी कॉलेज में तो लेक्चर्स हमारे इंग्लिश में चल रहे हैं, नोट्स भी हमको इंग्लिश में बनाना पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग तो हिंदी मीडियम से पढ़ कर गए हैं, अब हम लोग को क्या करना चाहिए। तो भैया मेरे पास आप लोग के लिए जबरदस्त सॉल्यूशन है, तो आप लोग घबराएं नहीं, बस इस वीडियो को देखते जाएं। हाँ, उससे पहले हम चाहेंगे कि जो भी लोग हमारे चैनल पर नए होंगे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, ताकि जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनाते हैं यहाँ आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलो भैया शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। हाँ, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आजकल के लड़के और लड़कियां बहुत जल्दी परेशान हो रहे। अरे भैया आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, थोड़ा सब्र रखिए, धैर्य करना सीखिए, धैर्य करेंगे तभी आप आगे जाकर सफल होंगे, अगर यदि धैर्य नहीं करेंगे तो आप आगे जाके सफल भी नहीं हो पाएंगे। घबराने से कोई चीज नहीं होता, आपको धैर्य रखने से ही सब कुछ होगा। हाँ, अगर यदि दिक्कत आ रही परेशानी आ रही तो उसका सलूशन है, अरे मेरे पास मिलेगा हर एक सलूशन, आपको मेरे पास मिलेगा, आपका कोई सा भी दिक्कत हो मेरे पास हर दिक्कत का सलूशन है। तो आप लोग घबराइए नहीं, धैर्य रखिए और हमसे सलूशन लीजिए। हाँ, तो जैसे कि जो भी यूपी बोर्ड वाले लड़के और लड़कियां हैं, अगर यदि उनको लेक्चर्स में प्रॉब्लम आ रही है, नोट्स भी बनाने में प्रॉब्लम है, तो वो लोग सबसे पहले ये जान ले कि अगर ऐसे ही चलते रहा तो उनका आगे जाकर के बैक लग जाएगा 100% गारंटी के साथ। क्योंकि जब आप चीजों को समझ ही नहीं पाओगे, नोट्स को अपने हिसाब से बना ही नहीं पाओगे, हिंदी में लिख ही नहीं पाओगे नोट्स को, तो एग्जाम में क्या लिखेंगे आप? जब आप चीजों को अपने से समझेंगे, नोट्स को हिंदी में बनाए रहेंगे, तब न जाके एग्जाम में भी लिखेंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको ना हो उसके लिए मैं आपको जबरदस्त सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो जैसा कि सॉल्यूशन देखिए आप लोग का, सबसे दो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन देखिए ये है कि आप लोग सबसे पहले जाकर के सलोरी में कोचिंग को जरूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले 70% लड़के लड़कियां कोचिंग ज्वाइन करते हैं और 30% लड़के लड़कियां वही कोचिंग नहीं ज्वाइन करते हैं जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े के आए होते हैं और उनकी इंग्लिश स्ट्रांग होती है, यानी कि अच्छी होती है, तो क्या होता है कि उनको उतनी दिक्कत नहीं होती है। हाँ, होती है, ऐसा नहीं है कि उनको भी दिक्कत ना हो, दिक्कत देखिए सबको होती है। तो भैया घबराओ नहीं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, दिक्कत परेशानी सबको आती जाती रहती है। तो आप लोग सबसे पहले जाकर यूपी बोर्ड वाले कोचिंग जरूर ज्वाइन करेंगे। कोचिंग ज्वाइन करने से आपको कई फायदा है, मैं उसके फायदे बताता हूँ। यदि आप लोग कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले आपको लेक्चर्स हिंदी मिलेंगे और आपके नोट्स भी हिंदी बन जाएंगे, जिससे आपको क्या होगा कि एग्जाम्स में लिखने के लिए बहुत अच्छा मिल जाएगा नोट्स हिंदी में, और आप लोग पढ़ करके जाकर आराम से एग्जाम में लिख सकते हो। और दूसरी फायदा आपका ये है कि अगर ये कोचिंग आप पकड़े रहेंगे तो आप जो एग्जाम की तैयारी कोचिंग वाले खुद कराते हैं, आपको ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और तीसरी फायदा ये है कि सेम टू सेम पैटर्न और कुछ क्वेश्चन भी सेम टू सेम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मिल जाते हैं आपको कोचिंग से ही। ऐसा होता है, हर साल होता है, हम लोग के साथ भी होता है, हम लोगों ने भी कोचिंग ज्वाइन किया था तो ऐसा हम लोग के साथ भी हुआ था। तो आप लोग फटाफट जाकर के कोचिंग जल्दी जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना ही आपका पीछे का छूटता चला जाएगा। तो पीछे का ना छूटे और लेट ना करें, आप लोग फटाफट से कोचिंग को ज्वाइन करें और अपने अनुसार नोट्स बनाएं और चीज़ों को समझें, ताकि किसी का बैग न लग सके। क्योंकि अगर यदि एक बार बैग लग गया तो फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है यार, क्या मैं कहूँ आपको, अपने जूनियर के साथ जा करके बैठ के एग्जाम देना कितना बेकार, कितना अनकम्फर्टेबल महसूस होता है। तो ऐसा आप लोग भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा आप लोग के साथ भी हो, तो आप लोग फटाफट से फटाफट कोचिंग ज्वाइन करें। और हाँ, दूसरा सॉल्यूशन मेरे पास ये है देखो भैया, सॉल्यूशन तो यही है कि आप लोग अपने सीनियर के भी सहायता ले सकते हैं। हम लोगों ने लिया था, मैं बार बार बोल रहा हूँ चीज को कि सीनियर का सहायता जरूर लीजिए आप लोग। अरे जो टॉपिक लेक्चर आप लोग को नहीं समझ आता अपने सीनियर से पूछिए ना, आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं? सीनियर से भी पूछिए, वो भी बताएंगे। अरे वो उनके नोट्स को ले लीजिए, वो देखिए हिंदी बनाए होंगे, उससे भी आपका फायदा हो सकता है, चीजों को आप समझ लेंगे उनके नोट्स भी। तो यही आपका दो सॉल्यूशन देखिए है। अगर यदि आप चाहते हो कि हाँ मैं कुछ अच्छा करूं, मेरा बैग ना लगे,
तो भैया आप लोग कोचिंग ज्वाइन जरूर कर लीजिए, और दूसरा अपने सीनियर सर का सहायता जरूर लीजिए, या सर का या मैडम का, जो भी किसी का भी सहायता ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर ही सिर्फ सहायता करेगी, मैडम नहीं करेगी, मैडम भी करती हैं, क्योंकि हम लोग के टाइम भी मैडम थी जो कि हम लोग का हेल्प की थी, तो आप लोग का भी जरूर करेंगी। तो घबराइए नहीं, धैर्य रखिए, घबराने से कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, और मैं सबसे जरूरी चीज़ आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि संडे को फिर से लाइव चलने वाला है, तो संडे को जिनका जो भी डाउट रहेगा अपने संडे को डाउट हमसे पूछ सकेंगे, यानी कि 21 यानी कि 21 तारीख को आप लोग का फिर से लाइव चलेगा। दिन में 12 बजे आप लोग का लाइव चलेगा, यानी कि जिनके जो भी डाउट्स होंगे क्वेश्चन होंगे हमसे पूछ सकते हैं। तो आप लोग तैयार रहेंगे संडे के लिए अपने क्वेश्चंस को लेकर के, अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, और हाँ एक चीज़ और, मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जो कुछ भी जानकारी छूटती है यूट्यूब से मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो उससे क्या होगा कि आप लोग को वहाँ से भी जानकारी मिल जाया करेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों, नमस्कार।